दुनिया रे बहुत सुंदर ओ मनमोहिने बापर स्थान अछि। आपण माने प्रायतः बहुत सुंदर सुंदर स्थान विषय जानिथिबे ओ सेही स्थान मानको जीवा पई चाहुथिबे, किंतु दुनिया रे एपरि भी स्थान अछि जहाँ को दुनिया रो नर्क कुआ जाय थाए। आपण माने सेही स्थान विषय जानिले सेही स्थान को जीवा त दूर कथा, सेही स्थान विषय शुणिले आपण को डर लागि पारे। आज आम देखा दुनिया रो नर्क कुआ जाउथबा पांचटी स्थान, तेणु ये इंटरेस्टिंग स्थान विषय जानापी जोड़ी रुंतु आम सहित भिडर शेष पर्यंत। आगबुगी सेहर घाना, यही स्थान को दुनिया रो नर्क कहिले किछि अत्युक्ति हेब नाही। एठार बास करथुवा लोक मानक देखि कुआ जाय पारिब कि एही लोक माने प्रकृत रे नर्कर दुख भोगुचंती, किंतु एही स्थान को नर्क एही लोक माने ही बनैचंती। सारा दुनिया इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट्स जेपरी मोबाइल कंप्यूटर इत्यादि रो व्यवहार करिथाए, किंतु जेतेबेले गैजेट्स खराब होई जायथाए ताकु ई वेस्ट हाबे दुनिया रे केतक गरीब देश रे डंप कर दिया जायथाए, माने माटी रे पुता जिबा को पठा जायथाए, जहां एही परि स्थान रे होइथाए। जो ई वेस्ट आसीथाए सेथिमध्यरु एठाकार लोक माने सेही जिंस को अलवा करिथांदी जहाँ को मार्केट रे आउ थरे बिक्री करा जाई पारिबो। तापर से माने बिना कोनोसी सावधान रे ए जिनिस को सीधा माटी रे पुति देथांती। एथिपई एठाकर माटी रे लीड कंटेंट 18,000 रु अधिक पहुंचि जाई। कुआ जाय था कि जदि आपण एठारे गुटिए भी दिन बिताई थांती तबे आपणक जीवन रु गुटिए मास कम हो जीवो, काहेकिना निश्वास नेबापई आपण जे वायु रे व्यवहार करिवे ता फुसफुस रे लीड रो मात्रा को बढाई देथाय। लेक नायोस कैमरून, नॉर्थ कैमरून स्थित यह ह्रदटी बहुत सुंदर सबुज देखा जाए था, जहाँ देखि आपण माने भाबिबे कि यह तो बहुत सुंदर स्थान, किंतु यह आपण मानकर भ्रम। यही ह्रद को साइलेंट किलर कुआ जाए था, एथिपाई यही ह्रदर आखपाखे रोथवा लोक माने एठाकु जीवाकु डरी था। आपण माने भाबुथबे कि यही ह्रदर एपरि कोन अछि जहाँ को लोक माने एते डरुछंती। यही ह्रदर CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा रे अछि। एठारे CO2 एते मात्रा रहिबार कारण एही ह्रदटी एक ज्वालामुखीर उद्गीकरण समय रे तयार होइतिला, जेउथिरे परे पानी भरी जाइतिला। ज्वालामुखीटी इनएक्टिव तो होई सारछि, किंतु ता भितरु आज भी CO2 उ मिथेन गैस अनवरत बाहरुछि जा ह्रदर तळ भागरु बाहरुछि। कुआ जाइथाय कि दिने CO2 रो मात्रा एते अधिक होइ जाइतिला कि जा ह्रद पाखर बास करथुबा 2,000 रु भी अधिक लोकर जीवन नहीं जाइला। ता सहित तो बहुत पशुपक्षी मानकर लोक मैंने से ह्रद ठार दूरे जायू। मायाकुन रशिया, आपण मैंने रुष रीत और बरफ विषय तो निश्चित जानते, किंतु ओयू मायाकुन रुष एपरी एक स्थान जार शीत विषय शुणिले आपणकर लुम टाकुरी उठ। यह दुनिया एपरी एक स्थान एठार सबुठ अधिक गरम दिन में -10 डिग्री सेलसीयस टेम्परेचर रही है, जो टेम्परेचर रे दुनिया रो लोक मानकर अति सहजरे मृत्यु हो जाए, किंतु जेतेबेले एठारे शीत पड़ी थाए एठाकर टेम्परेचर -80 डिग्री सेलसीयस पाखापाखी हो जाए थाए। एते थंडा जहार कल्पना प्राय साधारण लोके करिपरिबे नाही, एथिपई एही सहर को कोल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कुआ जाए थाए। सबुठार आश्चर्यकर कथा एहा कि तापरे भी एही सहर रे लोक माने बास करथांती। एठारे रहउथुवा लोक मानकर जीवन नर्क परी होइथाए, काहेकिना एठार इलेक्ट्रिसिटी और पानी दुईटी जाकर समस्या। पानी पाई एठाकर लोक माने बरफ को गरम करपरि रखापी परमानेंट निया जलई था। यह कह कि भूल हेब ना कि निया बिना एम जीवन कल्पना करहब ना। साइटेरियम रिवर इंडोनेशिया, आपण मैंने आम देशर प्रदूषित नदी विषय तो शुणिथे, यह भी जानते कि गंगा और जमुना परी नदी प्रदूषित लिस्ट आसी थाए, किंतु एबे जे नदी विषय आम कहू ता जानवा पर आपण गंगा और जमुना नदी को स्वर्गर नदी बोली कहे। यही नदी नाम है साइटेरियम रिवर, जहाँ इंडोनेशिया बही थाए। ता केवल इंडोनेशिया नुहे बर सारा दुनिया सबुठ अपरिष्कार नदी भाव गणा। यही नदी में पाठ अधिक कचरा बही थाए, यह एपरी देखा जाए था जहाँ को देखि आपण जापरिवे ना कि यह कौन सी नदी बा अपरिष्कार ना। यही नदी आखपाखर मशा मानकर भयानक दुनिया, जदि आपण यही नदी पानी को कौन सी बोतल रखिबे तबे ताहा आपण को कला देखा जिवो, किंतु एबे भी यही नदीकूल केतक लोक बास करुछंती। कुआ जाय थाए कि एठाकर बासिंदा हाराहारी आयुष 35 वर्ष होइथाए, तापर एमाने कौनसी ना कौनसी भयानक रोगर शिकार होइथांती जहाँ ताको मृत्युमुख को टाणी नेथाए। स्नेक आइलैंड ब्राजिल, यह एपरी एक आइलैंड जहाँ ब्राजिल समुद्री इलाका पड़ी थाए।
ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଏହାର ନାମରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଏହା ସାପର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହାର ନାମ ସ୍ନେକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ତାହା ପୁଣି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହା ପୁଣି ଏପରି ବିଷଧର ସାପ ଯାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚୁଟ ହିଁ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସେଠାକାର ସରକାର କାହାରିକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଫେରିବାର ବହୁତ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେଠାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଡିସ୍କଭରି ବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଦୁନିଆର ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନା ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହିପରି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।